हेलो एवरीवन, हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में सेट के बारे में, ठीक है। सेट हमने स्टार्ट किया था, इस वीडियो में हम सेट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे जानेंगे सेट को और अच्छे से, ठीक है। तो देखो भाई, ध्यान से, हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था सेट को कि टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा कि अब टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करें तो पहला टाइप आता है जो दैट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सेट जो हमारा आता है एम्प्टी सेट आता है। ये एम्प्टी सेट होता क्या है? एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है, ये भी कहते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो देखो, इससे पहले कि मैं इसको डिफाइन करूँ, हम एक एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं, सपोज करो कि मेरे पास एक बैग है, ठीक है। बैग का नाम है अपना ए, और इसमें मैंने रखी है 10 रेड बॉल्स, ठीक है। 10 रेड बॉल रखी है, ठीक है, 10 रेड बॉल रखी है, और एक हमारे पास बैग है, ठीक है। एक हमारे पास बैग है, बैग बी, ठीक है, जिसमें हमने मिक्स बॉल रखी है, मिक्स रेड ग्रीन 10 मिक्स बॉल रखी है, 10 मिक्स बॉल रखी है कि रेड ग्रीन ब्लैक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेट बी की, एक्स सच दैट, अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रीन कलर बॉल, ठीक है ना, सॉरी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ ग्रीन कलर बॉल। तो भाई हाथ डालोगे तो ग्रीन कलर बॉल निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर बॉल अगर बैग में है तो ग्रीन कलर बॉल निकल सकता है, ठीक है। तो ये तो सेट पॉसिबल है, ठीक है, ये सेट पॉसिबल है। तो इसमें एलिमेंट होंगे ही होंगे, हो सकता है सारे ग्रीन हो सकता है दो ग्रीन हो, तीन ग्रीन हो, ठीक है। तो इसमें इसके तो एलिमेंट्स होंगे, या तो अगर दो ग्रीन होंगे तो दो एलिमेंट होंगे, तीन ग्रीन होंगे तो तीन एलिमेंट होंगे, चार ग्रीन होंगे तो चार एलिमेंट होंगे, 10 तो ग्रीन होंगे तो 10 एलिमेंट होंगे। लेकिन अगर मान लो हम ऐसा कुछ लिखते हैं सेट ए के बारे में, एक्स फॉर सेट ए लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ब्लैक कलर बॉल इन बैग ए, ठीक है। तो अब बताओ ना कि इसमें अगर हाथ डाल दो तो कितनी ब्लैक कलर की बॉल निकल के आएगी? शून्य, ठीक है, शून्य, जीरो, एक भी नहीं निकल के आएगी, ठीक है। तो ये सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्स सच दैट एक्स इज फुटबॉल प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है ना, एक्स इज अ फुटबॉल प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखो भाई, तुम लोग खुद ध्यान से देखो, सोचो कि क्रिकेट टीम के काम क्या है, क्रिकेट खेलना, तो उसमें फुटबॉल प्लेयर कहाँ से आएगा, ठीक है। हाँ, वो अपने हॉबी के लिए खेलते हैं तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट टीम में फुटबॉल प्लेयर तो आएगा नहीं। तो दिस इज अ एम्प्टी सेट, नल सेट, शून्य सेट, ठीक है, वॉइड सेट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, लिख सकते हो इसको कि एम्प्टी सेट, सेट हैव नो एलिमेंट और जीरो एलिमेंट इन इट, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है या जीरो एलिमेंट है एम्प्टी सेट में, ठीक है।
तो भाई ये तो बात हो गई एम्प्टी सेट की। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तुम लोग कहोगे कि भाई एम्प्टी सेट तो समझा दे लेकिन एग्जांपल्स नहीं दिया, तो कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हम पहला एग्जांपल कहते हैं, पहला एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो कर दे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ फाइव हमने पढ़ा है ना क्लास टेंथ में, पहले चैप्टर में पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ फाइव इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर कहाँ से होगा भाई, इसकी दो ही वैल्यूज आ रही हैं, प्लस फाइव और प्लस रूट फाइव और माइनस रूट फाइव। ठीक है, तो दीज बोथ ऑफ दीज आर इरेशनल नंबर, सो क्या होगा कि एक्स इज अ, दिस सेट इज अ वॉइड सेट। ठीक है ना, वॉइड सेट हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल देख लो भाई इसका। ठीक है, ऐसा न हो कि तुम लोग कहो कि एग्जाम्पल ही बहुत कम दिया था। ठीक है, तो भाई अगले एग्जाम्पल की बात कर लें, तो देखो मान लो कहते हैं कि एक्स सच दैट, एनसीईआरटी में शायद ये एग्जाम्पल दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वेयर एक्स इज ऑड नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया तो रिलेट कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर वेयर एक्स इज ऑड नंबर। तो भाई अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि एक्स स्क्वायर अगर फोर है तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, या तो प्लस टू या तो माइनस टू, दो वैल्यू आएगी। ठीक है, अब प्लस टू और माइनस टू दोनों ही ऑड नंबर तो नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ वॉइड सेट। ठीक है, वॉइड सेट, या इसको भी कह सकते हैं क्या, नल सेट। ठीक है, वॉइड सेट या नल सेट इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो दो एग्जांपल दिए मैंने वॉइड सेट के, नल सेट के। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक्स सच दैट एक्स लाई बिटवीन 10 to 20। ठीक है, 10 से बीच के बीच में लाई कर रहा है एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 99। ठीक है, लिख तो दिया भाई अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन पॉसिबल है क्या ये, अब 10 से लेके 20 तक के बीच में ऐसा, 10 से लेके 20 तक के बीच में ऐसा कोई नंबर है क्या जो 99 का मल्टीपल हो, नहीं है, नहीं लिख सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन सभी नंबर्स में ले लो, इवन 10, 20 को अगर हम इंक्लूड भी कर लेते हैं तो भी हमारा कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो कि 99 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई कि भाई क्या होता है हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, एम्प्टी सेट कर लिया हमने, तो अब आगे नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं। अगला जो हमारा टाइप है, अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद फिर यहाँ से। ठीक है, चल, और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे, जो मैं ये लिख रहा हूँ नोट्स, अगर जिसको ये चाहिए होंगे तो ये आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक भेज दूंगा मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये नोट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेट हम करने जा रहे हैं, अगला सेट का नाम है, सेकेंड टाइप है फाइनाइट। ठीक है, अगला सेट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। चलो भाई, तो भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में ध्यान दें, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ लें भाई। अगर मान लो कोई सेट लिखता हूँ मैं, ठीक है, सपोज करो सेट लिख रहा हूँ मैं ए सच दैट ए क्या है, ए किसके बराबर है, ए
टेन से लेस सभी इवन नंबर के बराबर, यानी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, ये सभी इवन नंबर। तो देखो मैंने बोला कि 10 से लेस सभी इवन नंबर के बराबर है, तो देखो पांच एलिमेंट्स आ गए और हमारा सेट बंद हो गया, ठीक है। तो हमारा सेट इतना ही डिफाइन होगा, बस इससे अधिक कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो पांच एलिमेंट हैं, ठीक है। तो भाई देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसकी एक लिमिट हो, ठीक है, जिसका एक लिमिट हो। अब जिसके पास लिमिट ही नहीं होगा वो इनफाइनाइट कहलाएगा, ठीक है। असंख्य, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट में जो नंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जबकि इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं हम इसको। तो देखो भाई फाइनाइट सेट का एग्जांपल दिया मैंने, एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देता हूँ बी, सच दैट, एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देता हूँ कि बी सच दैट, इसी से रिलेटेड देता हूँ कि एक्स सच दैट एक्स इज ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 4। अब भाई 4 से ग्रेटर कितने इवन नंबर हो सकते हैं, हमें कुछ पता थोड़ी ना है, हमें नंबर्स का नहीं पता है कि भाई कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो हमें इवन नंबर का क्या पता होगा, ठीक है, इवन नंबर इनफाइनाइट तक नंबर जाता है, तो इनफाइनाइट तक अपने इवन नंबर भी जाएंगे, तो हमें नंबर ऑफ इवन नंबर्स तो पता ही नहीं है, ठीक है, हर एक को छोड़ के दूसरा नंबर इवन नंबर होता है, ठीक है। तो देखो भाई दिस इज अ, इस सेट की बात करें तो सेट बी इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, ये अपना इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और ये जो था अपना, ये क्या था, फाइनाइट सेट था, ठीक है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइंड थे कि भाई पांच एलिमेंट्स हैं, पांच ही रहेंगे। वॉवल्स की बात करें तो ए ई आई ओ यू, पांच एलिमेंट्स और पांच ही रहेंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ डिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो लिख लो, अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो कि अ सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट या तो एम्प्टी हो या तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता हो, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है भाई। तो फाइनाइट सेट के बारे में एक चीज मैंने बता दिया कि या तो वो एम्प्टी हो, ठीक है, कि भाई जीरो नंबर, जीरो भी डेफिनेट क्वांटिटी है कि भाई जीरो है, ठीक है। अब या तो एक डिफिनिट नंबर तक हो, यानी 2 हो 4 हो 5 हो 10 हो 50 हो, वहाँ तक भी हम काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक हमें नंबर आता है उस डिफिनिट नंबर तक हो, जैसे एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 1000, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 1 लाख, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 1 करोड़, तो वहाँ तक तो भाई हमें पता है नंबर, ठीक है। अब इनफाइनाइट क्या हो जाएगा कि हमें एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, एक्स इज़ अ ऑल प्राइम नंबर, ठीक है, तो वो तो डिफाइंड ही नहीं है। तो हमें पता चल गया कि अ सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, वेयर एज अ सेट विच हैव A set which have no definite quantity or a set which have
a set which have no definite number of elements are called infinite set. ठीक है भाई, तो भाई देखो दो चीज़ मैंने बता दिया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में, कि भाई फाइनाइट सेट क्या होते हैं, कि जिसमें जो सेट एम्प्टी होता है या फिर जिसमें डेफिनेट नंबर्स होते हैं, वो मैंने कई बार रिपीट कर लिया तो ये रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जिसमें जो डिफाइंड ही नहीं होता है, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते ही नहीं, डिफाइंड नहीं होता वो नहीं कह सकते हैं. ठीक है, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं, डिफाइंड तो होता है पूरा सेट लेकिन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं, दैट इज़ आवर इनफाइनाइट सेट. ठीक है ना, वो होता है हमारा इनफाइनाइट सेट. तो भाई देखो, हमने देख तो लिया डिफाइंड सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहला एग्जांपल देख लेते हैं एम्प्टी सेट का भी, हमने दो तीन एग्जांपल देखा था, तो इसका भी दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं. पहला एग्जांपल देख लेते हैं क्या, कि सपोज करो ए लेट करते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर. ठीक है, कितने मंथ्स होते हैं भाई, लेट ए बी द सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर. ठीक है, तो देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर. ठीक है, तो कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. तो नंबर एक डिफाइन है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 मंथ्स हो गए. ठीक है, तो 12 इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो दिस कैन बी काउंटेड एज अ फाइनाइट सेट. ठीक है, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसलिए इसको फाइनाइट सेट में काउंट किया जा सकता है. ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं. अगला एग्जांपल जरा ध्यान से देखते हैं, कहता है कि मान लो एक सर्कल है. ठीक है, और इसके ईच पॉइंट्स को हम पी से डिनोट करते हैं. ठीक है ना, तो लेट पी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सर्कल. तो भाई अब कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स मिलके हमारा एक सर्कल बनाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलके एक सर्कल बनाता है. तो ये तो कोई एक पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू तो है ही नहीं, 10, 20, 30 ऐसे कोई वैल्यू रहती कि भाई 10 पॉइंट्स मिलके एक सर्कल बना दिया, 20 पॉइंट्स मिलके, क्योंकि इसका रेडियस भी दिया रहता तो हम बता सकते थे एक समय तक के लिए कि भाई इतना पॉइंट्स होगा. ठीक है, लेकिन इसका रेडियस भी नहीं दिया है, तो कितना भी रेडियस हो सकता है, तो कितनी भी तुम्हारी पॉइंट्स हो सकती हैं इसको बनाने वाली, इस सर्कल को बनाने वाली. तो चीज़ें समझने लायक हैं कि भाई इसको समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी पॉसिबल, सो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट. ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट हो गया. नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इनफाइनाइट फाइनाइट का, कि लेट्स से बी विद द बैक्टीरिया इन योर हैंड्स, तो बैक्टीरिया तुम्हारे हाथ के बैक्टीरिया बी होते हैं. ठीक है, तो लेट बी बी सेट ऑफ ठीक है
सेट ऑफ बैक्टीरिया इन योर बॉडी, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड हाउ मैनी नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन योर बॉडी, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट, बोथ आर इनफाइनाइट सेट, ठीक है, बोथ आर इनफाइनाइट सेट. तो देखो भाई, बात समझने वाली है, बात थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली है कि हमने दो चीज़ें पढ़ी, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. अब देखो, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हमें दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि भाई फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका नोट कर लो, जो कि तुम्हें बताना भी ज़रूरी है. पॉइंट है, सभी जो इनफाइनाइट सेट है ना, जो रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ा था, ठीक है, तो सभी इनफाइनाइट सेट्स रोस्टर फॉर्म में डिफाइन नहीं हो सकते, ठीक है. आई होप समझ में आ गया होगा, तो लिख लो इसको, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है. सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया सकता, क्योंकि उसका एक डिफाइन करने का एक पर्टिकुलर मैनर, पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है, पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है. क्यों नहीं किया सकता? बिकॉज ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है. कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता कोई भी इनफाइनाइट सेट, ठीक है. तो बात समझ में आ गई. तो अब देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी से कर सकते हो. अगर तुम्हें और क्वेश्चंस इसके चाहिए तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा जहाँ से आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पा सकते हो, ठीक है. अब देखो, नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अगला भी टाइप होता है, नेक्स्ट टाइप है अपना इक्वल सेट, ठीक है. नेक्स्ट है अपना, ध्यान से देखना, अब देखो भाई इक्वल सेट्स क्या होता है. इक्वल सेट्स वो होता है, जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि सेट्स हम दो सेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. पहले मैं इक्वल सेट का डिफिनेशन ही बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है. सपोज करो दो सेट ए एंड बी, ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है. देर आर टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, एंड दे बोथ आर सेड टू बी इक्वल, ठीक है. ए इक्वल टू बी कब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, व्हेन when b b जो होगा b have exactly same element as b with exactly same element as a, ठीक है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, या सेम एलिमेंट है तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा. और अगर सेम एलिमेंट नहीं है, अगर सेम एलिमेंट नहीं है तो इट बोथ सेट आर नॉट सेट टू बी इक्वल, जो कि जनरली हमने अभी जितने भी सेट्स डिस्कस किए, हमने कोई भी इक्वल सेट डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना. तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज करो ए हमारा जो सेट है 1 3 5 7 डिनोट करता है, और बी जो है
डिनोट करता है 7531। ठीक है, देख सकते हैं कि भाई इसमें भी चार एलिमेंट्स हैं, इसमें भी चार एलिमेंट्स हैं, इसमें वन है वन है, इसमें थ्री है तो इसमें भी थ्री है, इसमें फाइव है इसमें भी फाइव है, इसमें भी सेवन है इसमें भी सेवन है। ठीक है, तो देखो भाई सभी एलिमेंट्स इसके सेम है ना, ठीक है सेम है, तो दे बोथ ए इज इक्वल टू बी, इट कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू बी। लेकिन अगर सभी एलिमेंट्स सेम नहीं होते तो इट कैन नॉट बी रिटन एज ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब एक चीज़ इसके बारे में एक खास बात और जान लो, ठीक है एक खास बात और जान लो, नोट करके लिख लेना, स्टार बना के लिख लेना, ठीक है जैसे मर्जी लिख लेना, जो तुम्हें याद रहे, ठीक है जो तुम्हें याद रहे इक्वल सेट्स के बारे में, कि अगर मान लो कि एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, मान लो इलाहाबाद का मैंने लिखा था ना, इलाहाबाद का सेट लिखा था क्या ए, याद है तुम्हें? ठीक है, नहीं याद है तो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इलाहाबाद का सेट क्या लिखा था मैंने, वेट करना, ए एल एच बी डी, ये सेट लिखा था। ठीक है, मान लो इसको सेट ए करते हैं, ठीक है अच्छा, और सेट बी में लिखते हैं क्या ए एल एल एच ए बी ए डी। ठीक है, ये लिखते हैं, देखो चीज़ें रिपीट हुई हैं इसमें चीज़ें रिपीट हुई हैं, लेकिन है वही ए है ए है, एल है एल है दो, एच है ए है अगेन फिर ए है, ठीक है बी है बी है फिर ए है फिर ए है, देखो डी है डी है। ठीक है, तो चीज़ें वही सेम है, तो क्या होगा कि ए इज़ इक्वल टू बी इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी इसको भी लिख सकते हैं। तो भाई ये हो गया अपना इक्वल सेट, तो इसके भी आप कुछ एग्जांपल्स ट्राई कीजिएगा इक्वल सेट के। ठीक है, आप मेरा कहना ये है कि आप एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 1.2 तक आपका सभी क्वेश्चंस हो जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेट को आगे लेके चलेंगे, आगे की एक्सरसाइजेस डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तब तक बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।